जम्मू एवं कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों की गोलीबारी से एक व्यक्ति की मौत के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के मद्देनजर शोपियां में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि सुरक्षा बल इन सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि शोपियां के गनपुरा में हिलाल अहमद, जो कि बालपुरा का निवासी था, जो सेना की गोली का निशाना बना था। वहीं दूसरी तरफ इस गोलीबारी में राहिल और गौहर भी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में कई इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इंटरनेट की सेवाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। न्यूज़ डेस्क, वक्त इंडिया।